नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गंगोली हाट के हाट कालिका मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने GIC के मैदान पर गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 22 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का पहली बार क्षेत्र में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर उत्तराखंड राज्य के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं मंजूर की हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी सरकार के कामकाज भी गिनाएं, लोगों को अपनी सरकार के कामकाज भी गिनाएं। इस दौरान CM ने कई लोगों से बात करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी और उनका जल्द निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।